हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ट्रेडिंग फैब का क्विकली इंट्रो दे देते हैं। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है या फिर एंजल ब्रोकिंग है। ये चारों भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है, टॉप मोस्ट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया के, और इसका ऑथराइज पार्टनर है ट्रेडिंग फैब। एक मेगा ऑफर है सबके लिए, अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है, इक्विटी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस, इसका मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकता है। और एक ऑफर है जो हमारा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसके लिए भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये हर कोई कोर्स कर सकता है जो फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है, जो और अपना स्टडी इम्प्रूव करना चाहता है, सबके लिए है। तो ये एक मेगा ऑफर है सभी के लिए। तो ये था ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट यहाँ से आपको क्लिक करना है अप्लाई हियर के ऊपर, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है, तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सभी ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। तो अकाउंट होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके और आपको प्रीमियम इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो आप इन चारों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यह था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में छोटा सा इंट्रो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 9 अक्टूबर 2020, फ्राइडे है, सुबह के 8:32 हो रहे हैं। कल वीकली एक्सपायरी के दिन भी हमें देखा निफ्टी में जबरदस्त तेजी, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और काफी देर निफ्टी ऊपरी लेवल पे साइडवेज पैटर्न में ट्रेड हो रहा था और लास्ट आवर में कुछ एक करेक्शन देखने को मिला निफ्टी इंडेक्स में। तो आज एक बड़ा इवेंट है निफ्टी मार्केट में, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, 10 बजे आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उनका बयान जो आता है सिचुएशन मार्केट के कंडीशंस के ऊपर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है आज, लेकिन क्या इंट्राडे लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में हो सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 8 अक्टूबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल जो बन रहा था 11,762, इसके ऊपर काफी, यानी सेकेंड टारगेट के भी ऊपर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और ऊपरी लेवल पे एक साइडवेज ट्रेंड देखे तो एक धीरे तरीके से ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा था और लास्ट आर जब भी बचा था तब यहाँ से एक करेक्शन आके एग्जैक्ट इसने सेकेंड टारगेट के पास सपोर्ट टेस्ट किया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता, जो हमने मार्केट से पहले प्री प्लान बनाया था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता। तो कल का प्लान यहाँ पर नो, कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। आज निफ्टी में क्या हो सकता है देखते हैं, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात भी देखना जरूरी है। यूएस मार्केट देखे कल भी एक तेजी के साथ बंद हुआ, 56 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स भी हरे निशान में कल बंद हुए। आज जब एशियाई बाजार ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी फिर से एक बार 30 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निक्केई देखे जापानीज इंडेक्स तो कमजोरी दिखाई दे रही है 33 पॉइंट्स की। डाउ फ्यूचर को देखे तो 168 पॉइंट की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट इस समय भी पॉजिटिव वे में ट्रेड कर रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये जो वीकली चार्ट में हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, इसका 38.2% का लेवल लगभग कल अचीव हो, ऑलमोस्ट कल यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दिया। 11,931 के पास रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर अगर चला जाता है निफ्टी इंडेक्स तो 12,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। नीचे स्ट्रक्चर देखे तो अपसाइड स्ट्रक्चर बन रहा है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों मूविंग एवरेजेस असेंडिंग ऑर्डर्स में आ गए। फेब्रुवरी मंथ के बाद, अभी ऑलमोस्ट 6-7 महीने के बाद ही ये फिर से एक बार असेंडिंग ऑर्डर्स में है और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो वीकली चार्ट में बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, लास्ट 2 वीक्स से जबरदस्त हमें यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट में ये छोटा एक स्विंग हाई लो यहाँ पर जो मिला था
उसको अगर पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करे तो एग्जैक्ट 138.2% के लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और ये जो कल का अगर कैंडल देखे तो दोजी कैंडलस्टिक बनाया, यानी जहां पर ओपन हुआ था उसी के पास अगर ये क्लोज हुआ, इनडिसिसिव पैटर्न है, रेड कैंडल बना है, ऊपर काफी लंबा टेल छोड़ दिया कंपेयर टू ये नीचे का शेडो जो है उसके कंपेयर में। तो अगर यहाँ से निफ्टी इंडेक्स अगर करेक्शन दिखाता है, आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, अगर 11,900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 12,000 के पास 161.8% का ये लेवल आ रहा है, 12,000 साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। अभी कल का ये जो दोजी बनाई इसका हाई और लो, ये यहाँ से अभी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का काम कर सकते हैं। अगर यहाँ से ये करेक्शन आता है, ये जो ये दोजी कैंडल बना है, ये ट्रेंड रिवर्सल का भी सिग्नल होता है, लेकिन कंफर्मेशन कब होता है, जब इसका लो या फिर हाई फिर से एक बार ब्रेक होगा, सस्टेन करेगा इसके ऊपर, तो यहाँ से हमें आने वाले ट्रेंड का फिर से कंफर्मेशन मिल सकता है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो ये जो अपसाइड मूव हमें देखने को मिला है, तो इसका 23.6% का लेवल जो है 11,650 के पास आ रहा है ऑलमोस्ट, जहां पर ये स्विंग हाई क्रिएट हुआ था पास्ट में, जो रेजिस्टेंस का काम करता है पास्ट में वो जाके आगे जाके सपोर्ट का काम करता है। तो यहां से अगर करेक्शन गहराता है तो 11,650 के पास फर्स्ट सपोर्ट होगा। तो ये डेली चार्ट और वीकली चार्ट का सिनेरियो इस समय है। चलते हैं पहले टू आर्ली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं, जहां पर आरएसआई काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि ओवर बॉट जोन में पहुंच चुका है और अभी इसने निगेटिव क्रॉस ओवर दिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स भी काफी लगातार जबरदस्त 20 MA के ऊपर जबरदस्त तरीके से यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है और फर्स्ट टाइम अगर सपोर्ट की बात करें, तो ये जो 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है, ये अभी ऑलमोस्ट अराउंड 11,650 के पास आ रहा है। हमने डेली चार्ट में रिट्रेसमेंट लेवल देखा है यहाँ पर, जो 11,650 के पास आ रहा था। अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है तो 650 के पास हमें एक सपोर्ट यहाँ पर लेता हुआ निफ्टी इंडेक्स दिखाई दे सकता है। तो ये था टू आर्ली चार्ट का सीनरियो। इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स कल जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यानी 11,888 के ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स चला जाता है तो ही हम यहां पर इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,907, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,930, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ अगर बढ़ता है तो यहाँ पर ये जो कल का लेवल बन रहा था जिसको पेनेट्रेट कर रहा था टूवर्ड साउथ की तरफ जाते वक्त, इसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा था, तो 11,817 जो कि गैप अप पॉइंट का इनिशियल पॉइंट है, कल जो गैप अप यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है उसका ये इनिशियल पॉइंट है 11,817, इसके नीचे अगर चला जाता है सस्टेन करता है तो ये शॉर्ट पोजिशन बना सकते हो, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,794, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,770, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।